खान का फोन है। नहीं उठाना डेनिस प्लीज। देखता हूँ क्या बात करता है। मना कर रही हूँ मैं। छोड़ दो मेरे पे सब। हेलो, कैसे हो? हाँ डेनिस, शाम बखैर। ज़हमत के लिए माजरत चाहता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी बहन से रابطہ नहीं हो पाया। क्या वो तुम्हारे साथ है? क्या हुआ है तुम्हारे दरमियान? जाहिर है तुम्हारे पास है मेरे डेनिस, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहन से बहुत जरूरी बात करनी है। हम लोग फरीद के घर पर हैं, उसके साथ हैं। वो महफूज है, परेशानी की कोई बात नहीं। फिर क्या तुम फोन अपनी बहन को दे सकते हो डेनिस? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे, प्लीज। जो कहना है कहो हकान, बोलो। डेनिस देखो, हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं। मेरे घर के मामलात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है डेनिस, ये मियां और बीवी के दरमियान की बात है। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या तुम फोन अपनी बहन को दे सकते हो? तुमसे बात करना चाहता है, बहुत इसरार कर रहा है वो। ये मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत आवाज है मैं जो सुन रहा हूँ, मोहब्बतों में सबसे खूबसूरत आवाज। मेरी जान कैसी हो तुम? डैमिट प्लीज, क्या तुम उठकर खामोशी से कहीं दूर जा सकती हो और अपना फोन भी साथ लेकर जाना? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है डैमिट, क्योंकि माजरत का पैगाम भेजा है। Excuse me. आती हूँ मैं। बोलो आकार, जो कहना है कहो, मैं सुन रही हूँ। जाहिर है तुमने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से बहुत अकलमंदी की तुमने, तुम्हें इस बात पर मुबारक देता हूँ, शाबाश, तुम बहुत अकलमंद खातून हो। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन सब बता दूंगी अब। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? हकान, ये भूलो मत, तुमने दैमिर और जैनब को मरवाया है। लेकिन मेरी जान, तुम ऐसे क्यों कह रही हो डैमिट? हम बात कर चुके हैं इस मौजू पर। अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने नाजली को मारने की कोशिश की थी बर्फ खाने में। तुमने बताया तो मैं भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक ये बात नहीं बताई किसी को। देखो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं अच्छा सा वकील करके खुद को बचा लूंगी। लेकिन याद रखना कि तुम खुद को कभी नहीं बचा सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हकान। अरे मेरी जान, मेरा प्यार, मेरी खूबसूरत बीवी, पागल हो गई हो तुम? तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ खातून, इतने सालों से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई, हैरत की बात है। देखो लड़की, मैंने पहले ही अपने आप को महफूज कर लिया है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम कुछ भी नहीं कह सकती किसी को भी। ये क्या कह रहे हो तुम हकान? डैमिट देखो अपने मोबाइल में, मैंने तुम्हें एक पैगाम भेजा है, एक तस्वीर है, उसे गौर से देखो। हेलो डैमिट, तुम देख रही हो क्या? तस्वीरें देखो, डरो मत, देखो देखो। ये सब क्या है? ये रबिश तस्वीर मुझे क्यों भेजी है तुमने? ये लड़का कौन है? ये लड़का ताहिर है, वो जासूस जो फरीद ने मेरे पास भेजा था मेरी जासूसी के लिए। लेकिन अब ये आदमी मेरी जिंदगी की जमानत बन चुका है। पता है क्यों? क्योंकि ये आदमी मर चुका है, ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम जानना चाहोगी कि इसे किसने मारा? तुमने। तुम्हें याद है हम हदफ पर निशाने लगाने गए थे और मैंने कहा था मेरी जान यहां लगाओ निशाना, और तुमने मेरी बात पर अमल करते हुए बिल्कुल वही निशाना लगाया और तुमने वहाँ 6-7 गोलियां मारी, बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से। उस दिन हमने हदफ के पीछे ताहिर को बांधा। ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुमने उस आदमी को मार दिया। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो अका? बिल्कुल गलत, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया तुमने खुद के साथ किया, तुमने कत्ल किया है डैमिट, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो।
मेरी जान, अब हमारे पास कातिल है, कातिल। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गन के साथ तुमने ताहिर को मारा वो गन मेरे पास है, मुझे वो संभाल कर रखनी है क्योंकि ये सबूत है और मैंने ताहिर को बहुत खूबसूरत जगह पर दफनाया है। मेरी बात गौर से सुनो दैमिट, अगर तुम मुझे डबोगी तो मैं तुम्हें भी डबो दूंगा दैमिट, तुम मुझे जलाओगी तो मैं तुम्हें जलाऊंगा दैमिट, मैं तुम्हें जला दूंगा। अब तुम सुकून से फोन बंद कर दो, उस हजूम के पास जाओ, ऐसे जाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ। हम बहुत अच्छे से झूठ बोलेंगे, मसलन मेरी बात हो गई है और तुम उनसे कहोगी कि अकान आ रहा है, वो मुझसे माफी मांगेंगे, समझ गई? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। Ha 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 ha!